तो मेरे गाने में हमेशा ये रहता है कि मैं शुरुआत सैडनेस से करके अपना थोड़ा नेगेटिव अप्रोच से शुरू होते हैं और वो एंड पॉजिटिव पे होते हैं। चिड़िया का एक्सपीरियंस भी था, थोड़ा सा मुश्किल था बट कंपैरेटिवली कम मुश्किल था क्योंकि तब तक थोड़ी अकल आ गई थी चीज़ें कैसे होती हैं। कर लिया, एम नहीं था लेकिन लाइफ में। हाँ नहीं था, अभी भी नहीं है। क्या था? कुछ भी नहीं। जे जे जॉर्डन उसमें दिखाया गया है, वैसी कुछ कहानी है आपकी है। टैटूज लाइक रॉकेट लाइक रिंग्स, क्यों ऐसा? मतलब हर रॉकस्टार की कहानी कैसी क्यों होती है? तो वो जो नॉलेज होती है, जो बात होती है, वो सिर्फ तभी आती है जब आप ठोकरें खाई होती है। ओरी चिड़िया ना तुझेरी क्यों ये दुनिया भाए रे, हो रे पंछी क्यों हमेशा बैठी मुँह लटकाए रे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन, हिमांशु न्यूज़ बफ में आपका स्वागत है। और आज जिन शख्स से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, पहली बात तो उन्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके गाने सुन के आपके ब्रेकअप भी हुए होंगे और उनके गाने सुन के आपके पैचअप भी हुए होंगे। और कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि दिल्ली से ऋषिकेश कहूँ या फिर हिमाचल कहूँ, कई बार लूप में उनके गाने सुन के आप जो है ऋषिकेश भी पहुँच गए होंगे। क्योंकि मिलाने वाला हूँ आपको विलन से। ये एक विलन वाले विलन नहीं है, इनका नाम विलन है क्योंकि इनका असली नाम विपुल था आई थिंक, राइट? सो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैंने आपके इस इंटरव्यू से पहले आई थिंक 10-12 इंटरव्यूज देखे थे जिसमें आपने विपुल की डेफिनेशन हर बार अलग अलग बताई है लेकिन मकसद एक ही था। तो एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, ये विपुल से जो विलेन का सफ़र है ये कैसा रहा और इस नाम के पीछे? रहा बढ़िया भी रहा, खराब भी रहा। खराब रहा तो कुछ सीख लिया। तो भाई एक बार मैं क्यों ढूंढे, क्योंकि आई थिंक 1.5 मिलियन से ऊपर जस्ट होने वाला है, हो जाएगा। और 17 और 15 पे ट्रेंडिंग चल रहा है जो आपका नया सॉन्ग 20 तारीख को आई थिंक लॉन्च हुआ है। लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जितने भी आपके गाने सुनता हूँ एक दर्द भरे रहते हैं और एक रोना सा आता है गाने सुन के, या फिर रो गए हैं तो दिल टूटने का दोबारा से एक बार मन करता है या फिर ब्रेकअप सा करने का मन करता है जब आपके गाने सुनता हूँ, तो ऐसा भाई इतना दर्द क्यों है मतलब दिल में, और किसके लिए वो दर्द जो आज तक छुपा के रखा है? ढंग से ना समझ नहीं पाते लोग। गाने जो बनाता हूँ मैं, अब मैं अच्छे ही गाने बनाऊँगा तो जिनको बुरे उदास गाने सुनने हैं और भाई थोड़ा रोना धोना मचाना है वो क्यों सुनेंगे वैसे गाने, वो तो किसी और का चला लेंगे। तो मेरे गाने में हमेशा ये रहता है कि मैं शुरुआत सैडनेस से करके अपना थोड़ा नेगेटिव अप्रोच से शुरू होते हैं और वो एंड पॉजिटिव पे होते हैं, तो वो एंड तक कई लोग पहुँच ही नहीं पाते। तो मेरे ख्याल आप पहुँचे नहीं हो आखिर में ना। तो जब एंड पे जाओगे वहाँ सीखने को कि अच्छा ये जो ख़राब था इसको ठीक कैसे करना, तो वो भी उसी में होता है, वो भी उसी में होता है। लेकिन इस गाने की बात करूं, पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा जा रहा है गाना और ये आपके लिए आम बात है, बहुत अच्छा जाना, मिलियंस में जाना आपके लिए आम बात है, लेकिन हम देखते हैं तो और अच्छा लगता है। लेकिन इस गाने की जो आपने लिखे हैं आपने गाए हैं और आप ही ने कंपोज किया, आई थिंक सभी आपने किया है, ऑल इन वन है। लेकिन ये जो एक चिट्ठा आपने इस गाने को लेकर लिख दिया था, मैंने सुना एक चिट्ठा आपने इस गाने को लेकर लिख दिया था, फिर उसमें से आपने सिलेक्शन किया, वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब आप लिख रहे हो तो हर चीज़ बेस्ट है लेकिन अपने ही सिलेक्शन को काटना, चॉप करके उसको एक 3 मिनट का गाना बना देना, वो कितना मुश्किल होता है। इस गाने के साथ आई थिंक यही हुआ है। हाँ ये हुआ है और गानों के साथ भी हुआ है, इसके साथ थोड़ा ज़्यादा हुआ है क्योंकि ये गाना है जिंदगी के ऊपर। अब जिंदगी के बारे में बताने को बहुत बातें हैं जी, तो उसमें से सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल था कि सारी चीज़ें लिखी तो एक बहुत ठीक सा बैलेंस बनाना उस चीज़ का कि नहीं ये वाली बात रहनी चाहिए और ये अब ज़्यादा हो गया जी, क्योंकि मैं ओवरवेलम भी नहीं करना चाह रहा था चीज़ को कि भाई सिर्फ ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं या सिर्फ ऐसा ज़्यादा हो जाए, बातें बहुत ज़्यादा हो जाएं। बहुत बैलेंस करके इसको बनाया गया है तो काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल था वो चीज़ों को काटना। ओके सो गाने की बात हो गई, कितना मुश्किल होता है? लास्ट टाइम जब मैंने हनी सिंह का एक इंटरव्यू सुना था, मुझे याद है लुंगी डांस जब उन्होंने डायरेक्ट किया था, बनाया था, लिखा था, गाया था, तो कहते हैं जब भी ऐसे सिंगर हम लोग जब गाने लिखते हैं, गाने बनाते हैं, तो हम उस जगह को इमेजिन करते हैं। जब मैंने लुंगी डांस, हनी सिंह में बताता हूँ, जब मैंने लुंगी डांस बनाया तो मैं साउथ गया था, मैंने वो फील लिया, तो वो मेरे मुँह से वर्ड निकले हैं और वो गाना सक्सेसफुल रहा है। विलन गाने के पीछे क्या सोचते हैं या फिर डूबे रहते हैं या फिर 15 दिन अपने आप को कमरे में लॉक कर लेते हैं, वो विलन की कहानी है या फिर जब गाने बनाने से पहले वो स्टोरी क्या होती है? कुछ नहीं होती यार, अब जो सीखना था ज़िंदगी से वो सीख चुके हैं, अब वो सीख आगे पास ऑन करनी है तो वो तो पहले से ही है अंदर, उसको बस बताना होता है, तो वो बताने के लिए लकीली कहीं जाना नहीं पड़ता मुझे, तो बताना आसान है कि भाई जो चीज़ आपको पहले ही पता है वो बताना आसान है, बस उसको सिंपलीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता म्यूजिक वीडियो में और गाने में कि भाई आप बहुत ज़्यादा ही चीज़ें एलैबोरेट कर दें और कुछ हो जाए, तो उसको छोटी सी जगह पे डालना, छोटी सी जगह में एक
हर एक चीज़ सेलेक्ट करके घुसा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एक रात की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक वो आपके करियर का अब तक का सबसे मोस्ट व्यूज गाना है, मुझे लग रहा है जिस तरीके से बढ़ रहा है 1 बिलियन में आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले होंगे शायद। तो एक रात मेरा पर्सनल फेवरेट चिड़िया था, चिड़िया ही नाम है आई थिंक, राइट? चिड़िया मेरा पर्सनल फेवरेट था, लेकिन एक रात आपके सबसे मोस्ट व्यूड गाने हैं, उन गानों का एक्सपीरियंस कैसे रहा, दोनों का एक साथ पूछ रहा हूं। और अगर आप दो लाइन हमारे दर्शकों को सुना दें, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग गानों पर बहुत आती है, तो थोड़े व्यूज इसमें भी जो है बड़े आई थिंक। दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक रात का थोड़ा मुश्किल एक्सपीरियंस था क्योंकि सब चीज़ें नई थी, कुछ आता नहीं था करना, तो नई नई चीज़ें सीख सीख के उसी समय पर बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो चिड़िया का एक्सपीरियंस भी था, थोड़ा सा मुश्किल था बट कंपैरेटिवली कम मुश्किल था क्योंकि तब तक थोड़ी अकल आ गई थी चीज़ें कैसे होती हैं। बस ये है कि दोनों का बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है बनाने में, क्रिएशन टाइम पे, राइटिंग टाइम पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता था। तो मतलब वही है कि वो एक्सपीरियंस ही है जो आगे बढ़ के अब और बेटर 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 हो रही है आर्ट, तो वो एक्सपीरियंस सीखी हुई जो परेशानियां पहले झेल लिया वो नहीं है। तो बाकी दो लाइन आप सुनने का वेट कर रहे हो लेकिन इसके बाद मेरे दो सवाल और हैं। अच्छा चलो, तो मैं आपको चिड़िया की दो लाइन सुनाता हूँ जो मेरा फेवरेट है पर्सनल। हो री चिड़िया ना तुझे री, क्यों ये दुनिया भाए रे, हो रे पंछी क्यों हमेशा बैठी मुंह लटकाए रे। थैंक यू। रॉकस्टार देखी आपने? हर रॉकस्टार की कहानी को उस फिल्म में बहुत अच्छे से बयां किया इम्तियाज अली ने। हर रॉकस्टार ऐसा क्यों होता है, मतलब लाइक एक डिप्रेस्ड उसके बाद ही उसको क्यों कामयाबी मिलती है? और ये आई थिंक रियल लाइफ है, क्योंकि इम्तियाज अली का भी झूठी लाइफ को पर्दे पर नहीं दिखाते। एक ऐसी कहानी आपकी भी थोड़ी सी है, एक डिप्रेस्ड से उड़ के जो जे जॉर्डन उसमें दिखाया गया है, वैसी कुछ कहानी आपकी है, टैटूज लाइक लॉकेट लाइक रिंग्स, क्यों ऐसा, मतलब हर रॉकस्टार की कहानी एक ऐसी क्यों होती है, क्यों क्यों नहीं सिंपल अरिजीत जैसा रहता? नहीं, क्या पता उनकी भी कहानी हो, हमें क्या, उन्होंने सामने नहीं लाई, हम ले आते हैं। तो वही है कि जब तक आदमी दुख दर्द नहीं देखेगा, अपनी सफरिंग्स नहीं देखी होंगी उसने, तो उसके पास कुछ बताने का भी नहीं होगा, उसके पास लर्निंग्स भी लिमिटेड होती है। तो जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आप, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आके कुछ भौंकना चाह रहा हूँ तो कुछ होना चाहिए मेरे पास। तो वो जो नॉलेज होती है, जो बात होती है, वो सिर्फ तभी आती है जब आप ठोकरें खाई होती है, आपने चीज़ें सीखी होती है ज़िंदगी में कि भाई नहीं, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। तो वो चीज़ टूटने से ही आती है, वही, तो वही, वही। बिना टूटे हुए आदमी को बताना बहुत मुश्किल है सारी चीज़ें। ओके, सो विलन का लाइफ में एम क्या है? क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा था कि विलन को गाने से इतनी मोहब्बत नहीं है, वो बस गा लेते हैं क्योंकि अब उनको यहाँ पे सक्सेस अच्छी मिली है, लेकिन विलन की पहली प्रायोरिटी जो है सॉन्ग नहीं थी, म्यूजिक विलन की पहली प्रायोरिटी नहीं थी जहाँ तक मैंने सुना, जहाँ तक मैंने पढ़ा। तो अगर आज विलन म्यूजिक नहीं होते, मतलब म्यूजिक नहीं कर रहे होते, तो क्या कर रहे होते, या फिर क्यों नहीं थी? मतलब यार ऐसा खास मेरे एम्बिशंस थे नहीं, मैं एम्बिशियस आदमी भी नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो है वो सारा बाय प्रोडक्ट के हिसाब से ही है। और अगर ये नहीं कर रहा होता तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर रहा होता। अच्छा, लेकिन मैंने पढ़ा था कि विलन को म्यूजिक बस कर लिया, एम नहीं था लेकिन लाइफ में। नहीं था, अभी भी नहीं है। क्या था? कुछ भी नहीं कुछ कर रहा ही नहीं था, तो बस हर दिल्ली वाले का एम ऐसा क्यों होता है? नहीं नहीं, दिल्ली वाला तो मैं वैसे ही नहीं हूँ, मेरे अंदर तो वैसे ही हरियाणा कूटा हुआ है। अगर विलन को लाइफ में कभी कॉलैब करने की जरूरत पड़ी, अभी तक हमने आई थिंक कॉलैब देखा नहीं है किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ, तो कौन से, वो पंजाबी सिंगर की बात करूँ या फिर कौन से बॉलीवुड वो आर्टिस्ट होने वाले जिनके साथ विलन कॉलैब करना चाहेंगे? भाई जिनके साथ थोड़ा मेल मिलाप बन जाए कलाकार, और मतलब जिनके साथ हमारी आपस में ट्यूनिंग अच्छी बैठे उनके साथ करेंगे। कोई नाम अगर आप लेना चाहें, मतलब फॉलो नहीं करते किसी को लेकिन कोई मन में नाम हो जो यार लगता है कि भाई इनको देख के थोड़ा सा सेंस म्यूजिक की बनती है। मैंने हमेशा अपना लक्की अली जी का नाम लिया है, ऐसे में पीयूष मिश्रा जी का लिया है, और डायरेक्टर्स ने अनुराग कश्यप जी का लिया है। तो ये लोग हैं ऑफकोर्स जिनके साथ मतलब है कि हाँ, इनके साथ तो इच्छा है जी। बाकी वैसे जो भी कोलैब्स होंगे, अब इनसे मेरे को कोलैब की कोई उम्मीद खास है नहीं कि मतलब एटलीस्ट लकी अली जी का भी कोलैब नहीं करते, और पीयूष मिश्रा जी भी कलाकार आदमी है, तो जब कला समझ आती है तभी काम होते हैं,
तो वो कभी समझ आई उनको या लकी अली जी को तो काम हो जाएगा, वरना तो के कुल मिला के ये जिनके साथ करना चाहते हैं वो करते नहीं है, और जिनके साथ कर, जो करते हैं उनके साथ करना नहीं चाहते। नहीं ऐसा नहीं है, अगर डेफिनेटली करेंगे कोलैब्स तो यार कोलैब करना, अपना मेल जोल के सारे आर्टिस्ट को साथ रहना चाहिए, और एक अच्छी ही चीज़ बनती है, दोनों की दुनिया मिलती है जब, तो वो जब भी होएगा जैसे भी होएगा डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं मतलब उसमें। ओके सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो और ये रिव्यू थोड़ा सा आपको अच्छा लगने वाला है, और विलन बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ बफ में, और देखते रहिए हिमांशु न्यूज़ बफ। थैंक यू सो मच।